हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केस और इफ स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ माय एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे केस स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है, इवेलुएट कंडीशन एंड रिटर्न अ वैल्यू। सो इवेलुएट करता है कंडीशन को और रिटर्न का करता है वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मैच। ठीक है, अगर कंडीशन मैच करता है तभी रिटर्न करता है। और यहाँ पे इफ फंक्शन के बारे में दिया गया कि इफ फंक्शन रिटर्न वन वैल्यू, इफ एक ही वैल्यू ये रिटर्न करेगा इफ अ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सही है तो, और अनदर वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इफ के बारे में ये भी है, इफ फंक्शन कैन रिटर्न आइदर स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू, ये दो ही चीज है। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे टैब टेबल का यूज कर रहे हैं और ये सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे, ईएमपी नंबर, ई नेम, जेंडर, आईडी। तो यहाँ पे स्मिथ अगर नाम है तो ये एम है, एलियन एलन है तो यहाँ पे एम, यहाँ पे लॉरी है तो एम, ये एम इंडिकेट कर रहा है मेल, मेल फीमेल। चलिए इसको यहाँ पे आप क्यूरी के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट यहाँ पे हम सबसे पहले कर रहे हैं ई एम पी नंबर, उसके बाद यहाँ पे ई नेम, उसके बाद यहाँ पे अगला कॉलम है जेंडर आईडी, ये तीन कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो केस स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पे आपको व्हेन और क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आईडी, तो अगर यहाँ पे जेंडर आईडी इक्वल टू एम, अगर यहाँ पे एम रहेगा तो यहाँ पे और नया कॉलम क्रिएट होगा, वहां पे ये डिस्प्ले करेगा मेल। ठीक है, उसके बाद ये अगर कंडीशन सही नहीं होता एस पार्ट में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले करेगा फीमेल, फीमेल, उसके बाद यहाँ पे एंड, उसके बाद यहाँ पे एस, उसके बाद यहाँ पे हम जो नया टेबल कॉलम क्रिएट होगा उसका हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉलम एलियास जेंडर, उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम दे दीजिए फ्रॉम टैब वन। तो यहाँ पे क्यूरी हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये तीन कॉलम सेलेक्ट होगा, ईएमपी नंबर, ई नेम, जेंडर आईडी, उसके बाद केस स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पे, तो केस मैंने यहाँ पे जेंडर आईडी भी दिया है, तो वे जेंडर आईडी का वैल्यू अगर एम मैच करेगा तो एम मैच करेगा तब यहाँ पे डिस्प्ले करेगा नए कॉलम में मेल। अगर यहाँ पे एम मैच किया मेल, अगर यहाँ पे एम मैच नहीं कर रहा तो ये एल्स पार्ट में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फीमेल डिस्प्ले होगा। चलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये देखिए जहाँ एम है वहां पे मेल, यहाँ एम है मेल, यहाँ पे एफ है तो फीमेल, एम है तो मेल, एफ है तो फीमेल, तो इस तरह का है यहाँ पे। तो केस स्टेटमेंट में आप कोई भी कॉलम को आप दीजिए, वहां पे आप कंडीशन दीजिए, उसके अगर ये मैच करता है तो मैच करता है तो जो भी अगर आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा सकते हैं, अगर मैच नहीं करता है तो एल्स पार्ट में जाके ये फीमेल डिस्प्ले हो रहा है। अब दूसरा चीज यहाँ पे केस स्टेटमेंट में ये है कि आप मल्टीपल व्हेन क्लॉज यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं व्हेन जेंडर इक्वल टू, तो यहाँ पे जेंडर इक्वल टू यहाँ पे हम दे देते हैं और यहाँ पे कोई कॉलम होगा, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम है जेंडर आईडी, वहां पे वैल्यू के है, तो अगर यहाँ पे ये के से मैच करता है, ठीक है, तो यहाँ इसको हम जब के से मैच करेगा तो यहाँ पे हम इसमें आउटपुट प्रिंट करेंगे एम। ठीक है, तो ये देखिए जब एम से मैच किया तो यहाँ पे मेल है, नहीं मैच किया तो यहाँ पे फीमेल। अब यहाँ पे नीचे में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए जब के से मैच किया तो यहाँ पे एन है, ठीक है, यहाँ पे एन ए प्रिंट करा दें। तो इसका मतलब ये है कि केस स्टेटमेंट के अंदर व्हेन क्लॉज को आप मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा बार यहाँ पे कोई भी कॉलम पे कंडीशन जो भी देना यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखिए इतना सारा कोड लिखने से अच्छा है कि आप इफ स्टेटमेंट लिखिए। तो इफ स्टेटमेंट या इफ फंक्शन कैन रिटर्न आइदर स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का सिंपल सा कोड लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सेलेक्ट, तो सेलेक्ट करेंगे एएमपी नंबर को, हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो तीन कॉलम है, एएमपी नंबर, उसके बाद यहाँ पे ई नेम, उसके बाद यहाँ पे जेंडर आईडी, तो ठीक है। यहाँ पे पहले इसको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे तीन कॉलम है, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो आपको इफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जेंडर आईडी इक्वल टू सिंगल कोट में एम। अगर यहाँ पे एम है तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा मेल। सिंगल कोट में मेल, अगर यहाँ पे मैं अगर एम नहीं मिलेगा वहां पे कुछ और मिलेगा तो ये डिस्प्ले करेगा फीमेल। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम देते हैं टैप वन। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जब इसको एम मिला तो यहाँ पे मेल डिस्प्ले हुआ, मेल डिस्प्ले हो गया। जब इसको एफ मिला तो यहाँ पे फीमेल डिस्प्ले हो रहा। ठीक है, अगर यहाँ पे के मिला तभी है फीमेल डिस्प्ले हो रहा। तो इस तरह का है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट के अंदर या इफ फंक्शन के अंदर ये होता है कि अगर ये यहाँ पे जेंडर के अंदर यहाँ पे अगर कंडीशन सबसे पहले चेक करेगा, कंडीशन अगर सही होता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ट्रू वैल्यू इसका मतलब यहाँ पे एम ये ट्रू है तो ये जो पार्ट है जो भी लिखा हुआ है वो डिस्प्ले होगा। अगर यहाँ पे एम नहीं मिल रहा, एफ मिल रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये इस पार्ट में आएगा, तो इस पार्ट में फीमेल लिखा हुआ है तो ये फीमेल डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे इतना सारा कोड को लिखने से अच्छा है कि आप एक यहाँ पे लिखिए, बस इतना काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इतना सारा चीज आ रहा है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे एज दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे इतने सारे चीज की जगह यहाँ पे जेंडर डिस्प्ले, जेंडर डिस्प्ले। तो ये है यहाँ पे केस स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट के बारे में MySQL डेटाबेस के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।